हेलो फ्रेंड्स मैं नीतीश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ तो आपको करना क्या है आज अगेन हम जैसे हमने कल यहाँ पर स्टॉक्स दिए थे और यहाँ पर चलते हुए नजर आए थे सेम यहाँ पर आपको स्टॉक्स देंगे यहाँ पर या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आएगा दोनों तरफ से पैसा बनता हुआ नजर आएगा चाहिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं जानते हैं बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को हिट दूसरा चैनल है ट्रेडिंग दिल से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओके और यहाँ पर डेली वीडियोस डाली जा रही है जाके देखिए ओके okay, मॉर्निंग में तैयार रही है हमारी वीडियोस आया करेंगी और आप चाहे तो हमें ट्विटर पे भी फॉलो करिए डेली वीडियोस दिया करेंगे डेली यहाँ पर चार्ट यहाँ पर दिया करेंगे जिस तरीके से हमने यहाँ पर दिए है वीडियोज भी मिलेगी चार्ट भी मिलेंगे और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं तो देखिए आज कल अगर हम देखें डोजो यहाँ पर सैतालीस

वही लाइन को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जा रही है उसी लाइन को आज यहाँ पर तोड़ा गया तोड़ के ऊपर गया बट गैप अप ओपन हुआ था तो इस वजह से अगर हम यहाँ पर देखे तो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया बट गिरने पर यहाँ पर सपोर्ट के लिए सपोर्ट सपोर्ट ये ये लिया ओके तो एक ही एक ही नजर आता है ओके अगर ये सपोर्ट नहीं टूटा ओके तो ये सपोर्ट मानिएगा अदरवाइज यहाँ पर नीचे एक सपोर्ट जो इससे पहले था सोलह हजार दो सौ अट्ठासी इसे सपोर्ट मानिएगा और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस ये लाइन है ओके सोलह हजार छे सौ तिरानवे और सोलह हजार सात सौ सत्तान ये पॉइंट यहाँ पर रहता हुआ नजर आएगा और ये जो पॉइंट्स को क्रॉस किया तो एक अच्छी तेजी होती हुई नजर आएगी सत्रह पांच सौ तक लेते हुए जा सकती है तो यहां पर निफ्टी की तरफ आपको ध्यान देना है इसके अलावा हम बात करें निफ्टी स्मॉल कैप की तो निफ्टी स्मॉल कैप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी स्मॉल कैप में भी यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई दी और यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओके अब यहाँ पर क्या अब यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पर बंद होता हुआ नजर आया है ओके एक तो एक ये इसके लिए सपोर्ट है और अगर हम बात करें ये एक यहाँ पर इसके लिए सपोर्ट है तो ये दो पॉइंट है जो इसके लिए सपोर्ट का, का काम करते हुए नजर आएंगे तो इनकी तरफ आपको ध्यान देना है ओके और इसे तेजी के लिए यहाँ पर अब इक्यानवे और बात करें यहाँ पर अः तिरानवे सो ये आ, ये पॉइंट्स को चौरानवे सो ये पॉइंट्स को निकालना जरूरी है ये निकाला तो एक तेजी होगी जो इसे दस हजार तक यहाँ पर लेते हुए जाएगी तो निफ्टी स्मॉल कैप की तरफ ध्यान देना है निफ्टी मिड कैप की तरफ भी आपको ध्यान देना है निफ्टी मिड कैप में भी आप देख सकते हैं सारे की सारे यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था क्योंकि हम बात करें आ, कल यूएस मार्केट अच्छा भागा था इस वजह से तो यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी यहाँ पर मिड कैप थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आया ओके okay, बट इसके लिए इस हम बात करें अट्ठाईस अट्ठाईस हजार ये जो का लेवल है ये एज एज वेल पर हम बात ये दो लेवल नजर आते हैं सपोर्ट अगर ये तोड़ जाता है तो ये एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है और तेजी के लिए इसे यहाँ पर अट्ठाइस को क्रॉस करना बहुत जरूरी है ये क्रॉस किया तो यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई देगी तो निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप निफ्टी बैंक में हम देख लेते हैं तो निफ्टी बैंक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी बैंक में भी जो हमने पर लेबल दिया था, उपर उपर दिया था था उसके ऊपर होता हुआ दिखाई बट आप देखेंगे तो वहाँ पर उस को नहीं कर पाया और यहाँ पर नीचे गिरता हुआ नजर आया और क्या बनाया है उसने बना दिया एक डोजी और जब भी इस तरीके की डोजी बनती है या तो लो टूटे तो या हाई टूटे तब आपको यहाँ पर काम करती हुई नजर आती है ये डोजी तो अगर इसका हाई टूटा ओके छत्तीस ओके okay, और दो ये पॉइंट अगर टूटे तो याद रखिए तेजी होगी जो सौ तक लेते हुए ले तो ये इसके लिए सपोर्ट है पैंतीस छह सौ के आसपास का तो ये अब बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पर आप अच्छे खासे पैसे यहाँ पर कमाते हुए नजर आ सकते है एक दिन में आज के दिन में या फिर आने वाले टाइम में आने वाले टाइम का मतलब है एक और दो दिन के अंदर अंदर तो यहाँ पर हम बात करें सेंचुरी प्लाई सेंचुरी प्लाई देख सकते हैं एक दो तीन ट्रिपल टॉप कह सकते हैं कि ट्रिपल टॉप यहाँ टूटता हुआ नजर आया इसने ब्रेकआउट देता हुआ नजर आया और ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आता हुआ नजर आया अब अगर इसने यहाँ पर तेजी कर दी ओके रिजल्ट काफी बेहतरीन है ओके okay, 600 605 का लेवल निकाला तो सीधे ये भागता हुआ नजर आएगा और ये 617 तक का लेवल दिखा सकता है तो इस शेयर की तरफ नजरें बने बनाइएगा ओके okay, 600 आ, 605 का लेवल निकाला तो अच्छे खासे रिटर्न यहां मिलते हुए नजर आएंगे सेंचुरी प्लाई हैप्पीएस्ट माइंड्स इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा ओके okay, अच्छे खासे सपोर्ट पे यहां पर ब्रेक या ब्रेक लेवल्स होते हैं या तो यहां से तेजी कर देगा Okay, और तेजी करने के बाद अच्छे खास भागेगा और जब भागेगा तो यहाँ पर थाउजेंड तक के रिटर्न तक जा सकता है बट अगर गिर यहां से गिरना शुरू हुआ तो ये यहाँ तक आठ सौ यहाँ पर आ सकता है तो यहां पर ये दो लेवल है इसकी तरफ आपको क्या करना है इसकी तरफ यहाँ पर को यहाँ पर ध्यान देना है हैप्पीएस्ट माइंड की तरफ और यहाँ पर तेजी के लिए नौ सौ चौबीस का लेवल निकलना बहुत जरूरी है तो हैप्पीएस्ट माइंड इसकी तरफ ध्यान दीजिए कैमकॉन स्पेशलिटी देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हो, होना था ओके ब्रेकआउट तो नहीं हुआ बट यहां से गिरता हुआ नजर आया अब या तो ये कोशिश करेगा दोबारा इसे अटेम्प्ट करने की ओके और यहां पर इसे असली तेजी करने के लिए तीन सौ छप्पन का लेवल निकालना जरूरी है यह निकालना तेजी अदरवाइज यहाँ पर ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन जो ये ट्रेंड लाइन दे रखी है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और ये जो सपोर्ट दे रखा तीन सौ पंद्रह की तरफ ध्यान दीजिएगा क्योंकि काफी टाइम बाद आफ्टर गिरने के बाद ये चल रहा है तो यहाँ पर स्विंग में अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आ सकते हैं लाओपाला इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा लाओपाला अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए एक ब्रेकआउट अगर आप कहेंगे तो ब्रेकआउट भी होता हुआ नजर आ रहा है ओके okay, वो ब्रेकआउट हुआ भी था उसके बाद गिरता हुआ नजर आया है और एक कप विद हैंडल पैटर्न या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ भी आप कहिए ऐसा एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न आपको यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं तो इसकी तरफ भी ध्यान देना है तेजी के लिए 303 का लेवल 304 का लेवल निकालना जरूरी है ये निकाला तो एक अच्छी तेजी होगी जो तीन सौ अस्सी तक यहाँ पर लेके जा सकती है तो लाऊपाला की तरफ आपको ध्यान देना है बैंक की बात करें बैंक में जैसे डोजी बनी है तो शायद यहाँ पर तेजी हुई अगर तेजी हुई तो यहाँ पर बंधन बैंक की तरफ नजरें बनाइएगा कल इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था बट फॉल्स ब्रेकआउट था उसके बाद चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी थी ड्रास्टिकली और यहाँ पर देखें तो लगभग दो की यहाँ पर गिरावट है बट ये रेजिस्टेंस के आसपास क्लोज हुआ है सपोर्ट के आसपास तो कोशिश करेगा दोबारा और यहाँ पर इसे अगर बात करें दो सौ पिचानवे का लेवल निकाला तो एक अच्छी खासी तेजी बंधन बैंक में होती हुई नजर आती है तो यहाँ पर इस बैंक की तरफ ध्यान दीजिएगा का काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं केपीआईटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए तो एक लेवल बनता है और वहीं पर ही क्लोज हुआ है अब यहाँ पर हम बात करें पांच सौ का फोर फाइव फोर्टी फोर का लेवल निकाला तो तेजी होगी जो इसे पांच सौ बहत्तर तक लेके जा सकती है और जिस तरीके से आईटी चल रही है आई फॉर्म में है तो शायद ये शेयर भागता हुआ नजर आ सकता है और छह तक के लेवल यहाँ पर आपको मिल सकते हैं तो इस शेयर की तरफ आपको ध्यान देना है इसके अलावा आपको सी की तरफ ध्यान देना है सी में देखा जाए तो सी भी देखिए यहाँ पर बार बार कोशिश कर रहा है भागने की ओके बार बार कोशिश कर रहा है यहाँ पर निकलने की एक दो तीन, तीन तीन बार ये कोशिश कर चुका है इस लेवल को निकाला 146 का लेवल तो एक तेजी होगी तो इससे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बारह तक लेके जा सकते तो इस, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है एक है काफी बेहतरीन स्टॉक्स भी इसके अलावा हम बात करेंगे टाल प्लेटफॉर्म की देखिए टालला प्लेटफॉर्म भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है बार बार ऊपर जाने की एक दो तीन तीन, तीन बार यहाँ पर कोशिश कर चुका है ओके और यहाँ पर ब्रेकआउट भी दे दिया है इसने इस चीज को याद रखिएगा तो सबसे पहले ये अगर आज के दिन में ही ये शायद 1021 तक जाने की कोशिश कर सकता है अगर 1021 का लेवल निकाला तो एक हजार तक के लेवल यहाँ पर खुले हुए हैं आपको है और अठहत्तर तक के लेवल भी आ सकते हैं बट गिरना शुरू किया तो नौ का एक अच्छा खासा लेवल यहाँ पर नजर आता है थोड़े दूर की अगर और बात करूं तो एक और स्टॉक्स है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए जिसका नाम है कैम्प्लास्ट कोशिश कर रहा है बार बार और एक यहाँ पर बात करें कब हैंडल पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है इसके हिसाब से एक अच्छा अगर ये इसने ये लेवल को थोड़ा पांच का लेवल तो एक अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आएगी जो इसे यहाँ पर छह तक के लेवल यहाँ पर दिखा सकता है इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की मैं बात करूंगा जैसे कि रिलायंस इंडिया इंफ्रा शेयर की तरफ ध्यान दीजिए ओके गिरता हुआ नजर आया अच्छे रिजल्ट है तो शायद यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल सकते हैं ओके यहाँ पर शोल्डर पैटर्न बन रहा और अच्छे खासे यहाँ पर चीजें यहाँ पर भागती हुई नजर आ सकती है इसके अलावा आज रिजल्ट है ओके शायद ज्यादा मूवमेंट ना करे बट स्टिल अगर ये मूवमेंट करता है तो इसे 803 और 804 का लेवल निकालना जरूरी है निकाला तो ये 840 और 880 तक के लेवल यहाँ पर दिखा सकता है इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल इस शेयर की तरफ भी आपको ध्यान देना है यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर ब्रेकआउट बार बार देता हुआ नजर आ रहा है ओके यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया ओके उनतालीस के आसपास और ऊपर चला जा रहा है अगर यहाँ पर इकतालीस सौ इकतालीस का लेवल निकाला तो ये शायद अब यहाँ पर हम बात करें तो अच्छे खासे लेवल ये फोर्टी फोर हंड्रेड और फोर्टी नाइन हंड्रेड तक ये पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है डिक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें डिक्शन टेक्नोलॉजी की तरफ भी आपको ध्यान देना है यहाँ पर देखिए बार बार एक, आ, हर एक लेवल को ये तोड़ता हुआ नजर आ रहा है अब इस लेवल को जो इसका का हाई था इसे अगर निकाल देता है और चार हजार के लेवल को निकाल देता है तो ये आ रखिए एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इसे बयालीस तक यहाँ पर लेके जा सकती है इसके अलावा हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की टाटा मोटर्स भी आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं पर देखिए टाटा मोटर्स भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और ऊपर से ही नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है 460 ओके चार सौ साठ का लेवल तो एक अच्छी तेजी पर होती नजर आ सकती है तो टाटा मोटर्स की तरफ भी आपको ध्यान देना है इसके अलावा एमसीएक्स काफी टाइम बाद यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है एमसीएक्स तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है पे भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है ओके ये अगर ये चार सौ छत्तीस चार सौ चालीस का लेवल निकाल लेता है तो ये चार सौ पंद्रह सौ और उसके बाद ये बात करें सोलह सौ तक के लेवल यहाँ पर दिखा सकता है तो इसकी तरफ आपको ध्यान देना है लॉजिस्टिक्स इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ भी ध्यान दीजिए बार बार ये, ये ब्रेकआउट यहाँ पर होता हुआ नजर आया है ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसने अगर अपना आज का कल का हाई सात सौ बीस इसे निकाला तो और तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे सकती है बट ऊपर को फंसने के भी चांसेस रहेंगे तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पर रहना है परसिस्टेंट सिस्टम तरफ ध्यान दीजिए कोशिश कर रहा ऊपर जाने की एक दो तीन बार कोशिश कर चुका है अगर यहाँ से ऊपर गया तो का लेवल छत्तीसठ में आ सकता है और थोड़ा सा की बात करूं, तो चार तक का, इसके रिजल्ट भी है तो थोड़ा सा कॉशियस वे यहां पर अपनाते हुए आपको चलना है इसके अलावा सेल कॉल की बात करूँ तो विप्रो विप्रो में यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है तो विप्रो की तरफ ध्यान देना है ओके अगर इसका ये लो चार सौ पांच का लेवल टूटा तो नीचे आ सकता है तीन सौ इक्यानवे और तीन सौ अस्सी तक के लेवल यहाँ पर आप देखते हुए नजर आ सकते हैं इसमें इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट एक छोटा सा पैनिक स्टॉक्स बता देता हूँ जिसके रिलेटेड आज शाम को वीडियो आएगी जेन लैब्स इसकी तरफ ध्यान देना है ओके यहाँ पर देखिए इस लेवल अगर हम बात करें उनचास के लेवल को तोड़ा तो ये तिरपन चौवन का लेवल शायद आज ही दिखा दे और मेरे को लग रहा है स्विंग में 81 वन परसेंट एटी तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है तो ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर ध्यान देना है वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना है कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ट्विटर पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो चार्ट मिलते रहे सो थैंक यू सो मच गॉड प्लेस